हाय एवरीवन, आज हम लोग पोयम पढ़ेंगे फायर एंड आइस, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इस पोयम में फायर को दिखाया है, बताया है कि फायर का मतलब है डिज़ायर। ठीक है, डिज़ायर हुआ या पैशन हुआ, तो इसका मतलब है, फायर का मतलब है हीट, यानी गर्म होना। ठीक है, या बोल सकते हैं आग। ठीक है, और आइस का मतलब इसमें पोयम में बताया है हेट। ठीक है, हेट को बताया है यानी नफरत, घृणा। तो घृणा को बताया है फ्रीज, मतलब जम जाना, एक बर्फ। ठीक है, तो इस पोयम में पोएट ने बताया है कि दुनिया कैसे ख़त्म होगी, आग से ख़त्म होगी या फिर बर्फ़ से ख़त्म होगी। ठीक है, या आग से ख़त्म होगी या बर्फ़ से ख़त्म होगी, तो कैसे ख़त्म होगी, तो पोएट ने इस पोयम में यही डिस्क्राइब किया है। पोएट बोल रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कि दुनिया जो ख़त्म होगी ना, वो आग से ख़त्म होगी, पर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं नहीं, दुनिया आग से ख़त्म नहीं होगी, दुनिया बर्फ़ से ख़त्म होगी, एक आइस से ख़त्म होगी, कि दुनिया बहुत ही ज़्यादा फ्रीज हो जाएगी और ठंड में वो मरेगी, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। यहाँ पोएट बोल रहे हैं कि मैं डिज़ायर को ठीक से जानता हूँ और ठीक से समझता हूँ, क्योंकि मैंने डिज़ायर को ना, डिज़ायर का जो इमोशन है उसको मैंने एक्सपीरियंस, उसका मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे पता है। तो मैं उन लोगों के साथ जाऊंगा जो ये बोलते हैं कि दुनिया ना आग से ख़त्म होगी, दुनिया फायर से ख़त्म हो जाएगी, तो मैं उनके साथ जाना पसंद करूंगा। अब पोएट बोल रहे हैं, लेकिन अगर इस दुनिया को दो बार नष्ट होना होगा, यानी ख़त्म होना होगा, सो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, यानी कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैंने नफरत वाले इमोशन को भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस किया है, उसको भी मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सपीरियंस किया है। अभी पोएट ऊपर वाली लाइन में बोल रहे थे कि मैंने डिज़ायर को एक्सपीरियंस किया, उसके जो इमोशन है उसको मैंने एक्सपीरियंस किया है। डिज़ायर का मतलब क्या था, फायर, एक आग, एक हीट, है ना, तो उसको मैंने एक्सपीरियंस किया, उसके इमोशन को अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस किया है। और अब पोएट कह रहे हैं कि मैं सोचता हूँ कि मैंने तो ये आइस, आइस मतलब हेट, है ना, यानी नफरत, घृणा, इसको भी मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसके इमोशन को एक्सपीरियंस किया है। तो पोएट लास्ट में ये बोलते हैं कि मैंने दोनों को एक्सपीरियंस किया है, उसके इमोशन को एक्सपीरियंस किया है। तो मैं उन लोगों के भी साथ में हूँ जो ये बोलते रहते हैं कि जो ये दुनिया है ये एक बर्फ से, एक आइस से ख़त्म हो जाएगी, ये नष्ट हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि वो भी अच्छा है, वो भी ग्रेट है और पर्याप्त है, इनफ है, कि जब ये दुनिया बर्फ़ से ख़त्म हो जाएगी तो ये भी अच्छा है और ग्रेट होगा, जब ये दुनिया बर्फ़ से ख़त्म होगी तो ये पर्याप्त होगी और इनफ होगी। तो इसमें पोएट यही कहना चाहते हैं कि मैंने दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से, उसके इमोशन को एक्सपीरियंस किया है। अगर दुनिया आग से, एक फायर से ख़त्म होगी, तब भी ठीक है, मैं उनके साथ हूँ। अगर बर्फ़ से दुनिया ख़त्म होगी, एक आइस से ख़त्म होगी, तब भी मैं उनके साथ हूँ, वो भी ग्रेट है, इनफ है। सो यहीं पर हम लोग की पोयम ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये पोयम अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पोयम अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।